एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही कम खर्च में आसानी से बनने वाली चॉकलेट बर्फी। इसे आप घर पे आसानी से बना सकते हो, खाने में बहुत डिलीशियस है, बच्चों को बहुत पसंद आती है चॉकलेट बर्फी। तो चलो घर पे बनाते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने लिया है 3 चम्मच देसी घी और इसको अब थोड़ा सा हम मेल्ट होने देंगे। देसी घी के साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/2 कप के करीब दूध। मेरा मेजरमेंट प्रॉपर कप के साथ है, तो आप जो भी मेजरमेंट लें, जिस भी चाहे फिर कटोरी से लें, उसी से ही बाकी सब चीजों का भी लें। और 1/2 कप इसमें मैं ऐड कर रही हूं शुगर। अब शुगर को दूध के साथ अच्छे से डिसॉल्व कर लेते हैं और फ्लेम पूरे प्रोसीजर में हम बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि मीठा बना रहे हैं तो इससे बिल्कुल लो फ्लेम पे। 1/2 छोटा चम्मच में इसमें डालिए कार्डेमम पाउडर यानी इलायची का पाउडर और 2 कप मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैंने बैचेस में डाला है, पहले 1 कप डालेंगे और उसको कंटिन्यूअसली इस तरह से मिलाते रहेंगे। और आपको कंटिन्यूअसली इसको स्टर करते रहना है, जिससे कि ये पैन के साथ चिपक ना जाए और फ्लेम को हमेशा लो ही रखना है। जब ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तब हम दूसरा इसमें 1 और कप मिल्क पाउडर का ऐड कर देंगे और इसको भी अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको हार्डली इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है और कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, जिससे कि ये एक लंबी मिक्सचर बन जाए। और जो वो मिक्सचर बनेगा, बस आपको तब तक मिक्सचर बनाना है जब तक कि ये पैन को छोड़ने ना लग जाए, इसकी साइड्स जो हैं वो हटने ना लग जाए। बहुत ओवर कुक नहीं करना है, ओवर कुक करने से मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और अगर आप कम कुक करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी रहेगा और खाने में आपके मुँह में चिपकेगा। तो आप 2 से 3 मिनट तक इसको कुक कीजिए और देखिए ये पैन छोड़ने लग जाएगा और इसके बाद तो मिक्सचर का कलर भी चेंज हो जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कलर चेंज ना होने पाए। बस अब आप इसको जिस भी मोल्ड में या जिस भी पैन में आपको बर्फी को सेट करना है, उसमें आप इसको निकाल लो। अगर आपको थाली पे करना है तो ऑयल से पहले ग्रीस कर लो। मेरा कांच का ये एक जो बॉक्स है उस पर मैं कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया है, जिससे कि बहुत इजीली बटर पेपर के साथ ये पूरा निकल आएगा। अब इसको थोड़ा सा हम सेट कर देंगे और 1/2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए। तब तक हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। मैंने डार्क कंपाउंड लिया है और एक स्लैब को पूरा कट करके उसको डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया है। गर्म पानी के अंदर मैंने इस मग को डाला था चॉकलेट के साथ और वो पूरी तरह मेल्ट हो गया। अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो 30-30 सेकेंड्स में 2 बार आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ये जब पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो अच्छे से इसको आप थोड़ा सा विस्क कर लो स्पून से ही, और ये गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का जब वार्म रह जाए तब आप जो हमारा मिक्सचर है उसके ऊपर ये हमारा जो चॉकलेट का मिक्सचर है इसको स्प्रेड कर दीजिए। चॉकलेट का मिक्सचर को आप सारा डाल दो और स्प्रेड कर दो। चॉकलेट अगर आपके पास नहीं है या आपको ईजिली नहीं मिलता हो तो इसका एक और ऑप्शन है, मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड स्प्रेड मिलते हैं, जैसे कि न्यूटेला स्प्रेड मिलता है, चीज़ का आमंड स्प्रेड मिलता है, हेजलनट स्प्रेड मिलते हैं। तो उस तरह की आप कोई भी स्प्रेड ले सकते हो और उनको भी इसके ऊपर लगा सकते हो, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि ये फ्रिज में जाने के बाद पूरी तरह से हार्ड हो जाएगी, चॉकलेट बन जाएगी, लेकिन स्प्रेड जो है वो पूरी तरह से हार्ड नहीं होते हैं। तो इस तरह से, बट फिर भी वो काफ़ी थिक रहते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मैंने इसको अच्छे से पूरी तरह स्प्रेड कर लिया और इसको आप 2 से 3 बार बर्तन को टैप कर लो, जैसे कि हम केक बनाने में टैप करते हैं, तो बस टैप कर लो जिससे कि जो चॉकलेट है पूरी अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। अब आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लाइक बादाम, पिस्ता, काजू, कुछ भी। मैंने बादाम लिए हैं और उनको बहुत ही बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। आप पूरी तरह से इसको बादाम या किसी भी ड्राई फ्रूट से अच्छे से पूरी तरह से ढक दो, क्योंकि जब हम इसको कट करके खाएंगे ना, हर बाइट में ड्राई फ्रूट का फ्लेवर आएगा, हर बाइट में चॉकलेट का फ्लेवर आएगा, बहुत ही नटी चॉकलेट बर्फी लगेगी। सीरियसली ऐसा टेस्ट आएगा, आपको मार्केट में खाने पर भी ढूंढने पर भी ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको हो जाए जब, तो 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें पूरी तरह सेट होने के लिए। 2 घंटे में ये कंप्लीटली सेट हो जाएगा। उसके बाद आप जिस तरह देखिए, मैंने ये बटर पेपर लगाया था तो इसके साथ ही ये मोल्ड से बाहर आ गया। उसके बाद आप इसको इस तरह से निकाल लो, नहीं तो अगर आप थाली में सेट कर रहे हो तो वहीं पे आप इसको कट कर सकते हो।
तो मैंने बटर पेपर से इसको अलग कर लिया और बर्फी का पूरा इस तरह से ब्लॉक बन के रेडी है। अब मैं इसको कट करूँगी। कट करने के लिए नाइफ पे आप थोड़ा सा या तो ऑयल लगा लो या थोड़ा सा पानी लगा लो, जिससे कि ये कट ईजिली हो जाएगा, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है और चिपकने लगती है नाइफ के साथ, तो कट करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो आप हल्का सा थोड़ा सा ऑयल भी लगा लोगे ना तो भी ये कट हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप ये कट हो जाए तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। आप इसको आराम से फ्रिज में हफ्ते तक स्टोर कर सकते हो, क्योंकि हमने इसे मिल्क पाउडर से बनाया है, खोए से नहीं बनाया है, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है। और इसको आप राखी पे, दिवाली पे, बच्चों को दीजिए, आप कोई भी मेहमान आते हैं उनके आगे सर्व कीजिए, सब हैरान हो जाएंगे कितनी टेस्टी चॉकलेट बर्फी आपने कहाँ से खरीदी है। ट्राई करिए, बहुत आसान है, सिंपल सी रेसिपी है, बट झटपट से बन जाएगी, टेस्ट में माइंड ब्लोइंग है और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो ट्राई करो ये इजी सी चॉकलेट बर्फी। और अगर रेसिपी पसंद आई है, अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया है, तो जाते जाते लाइक देते जाइए। इसी तरह की और आसान रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।